प्रांत के मैं हूँ ममता सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रयागपुर के केबी इंटर कॉलेज में लोकसभा केसरगंज के सांसद खेल स्पर्धा का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद केसरगंज ब्रजभूषण सरर सिंह व विशिष्ट अतिथि विधायक सुवास त्रिपाठी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। उसके बाद अतिथियों ने खेल ध्वज लहराया व स्पर्धा के औपचारिक शुरुआत की घोषणा की। सांसद सिंह ने कहा कि केंद्र की सत्ता आज मोदी जी के हाथों में है, जो भारत के युवाओं को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने देश के हर संसदीय क्षेत्र में खेल स्पर्धा कराने का संकल्प लिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा को सही दिशा मिल सके। यह खेल प्रतियोगिता पूरे देश में आयोजित कराई जा रही है और केसरगंज लोकसभा क्षेत्र में यह खेल प्रतियोगिता हर वर्ष आयोजित कराई जाएगी। देश का युवा आज खेल से दूर होता जा रहा है, जिसका कारण है लोग मोटापे, शुगर जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। विधायक श्री त्रिपाठी ने कहा कि खेल में शारीरिक विकास होता है, खेल और व्यायाम के बिना अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। विद्यालय के प्रबंधक राजा जयंत विक्रम सिंह ने सभी अतिथियों का आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सांसद प्रतिनिधि सुनील सिंह व कमलेश सिंह ने बताया, ये स्पर्धा लगातार 5 दिनों तक चलती रहेगी। दौड़, क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी आदि प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। सभी मुकाबले नॉकआउट होंगे। स्पर्धा में प्रयागपुर, विशेश्वरगंज व हुजूरपुर के विभिन्न स्कूलों की प्रीति फाकी हिस्सा लेंगे और 400 मीटर दौड़ में बालिका वर्ग में प्रयागपुर की महिमा कशोधन व बालक वर्ग में विशेश्वरगंज के सूरज फान ने प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं पर कार्यक्रम संचालन दिवाकर पांडे ने किया। इस दौरान महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रज्ञा त्रिपाठी, विधायक प्रतिनिधि निशंक त्रिपाठी, प्रमुख अजीत प्रताप सिंह, समय प्रसाद मिश्र, राकेश पांडे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष ब्रजेश पांडे, जिला पंचायत सदस्य ललिता चक्रवर्ती, उप जिला अधिकारी दिनेश चक्र प्राचार्य, श्री प्रकाश पटेल समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अध्यापक व प्रतिभागी उपस्थित रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए शरद कुमार की खास रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।